लाइफ एक रेस है, अगर तेज नहीं भागोगे तो लोग तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएंगे। कई बार ऐसे फिल्मी डायलॉग्स आपको ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासतौर पर तब जब देश युवाओं का हो, जिनके कंधों पर देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हो, जिन्हें अपने दमखम से भारत को सुपर पावर बनाना हो। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जिंदगी की ये रेस देश के युवा तभी जीत पाएंगे जब वो हेल्दी होंगे। हाल ये है कि 50 करोड़ युवा आबादी वाले अपने देश के ज्यादातर यंगस्टर्स बीमारियों का बोझ ढो रहे हैं और इसकी वजह भी वो खुद ही हैं। खराब लाइफस्टाइल और गलत आदतों से यूथ ने अपनी सेहत खराब कर दी है। 20 साल की उम्र में हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, लिवर की प्रॉब्लम जैसी तमाम बीमारियां लेकर हमारे देश के युवा घूम रहे हैं। लाइफस्टाइल डिजीज तो छोड़िए मीनाक्षी, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से मौत के मामलों में भी युवाओं की गिनती बढ़ती जा रही है। लैंसेट जर्नल ने जो रिपोर्ट छापी है, एक स्टडी छापी है, उसके मुताबिक यही वजह है कि यंग एज में आंतों में सूजन जैसी खतरनाक बीमारी उन्हें अपना शिकार बना रही है। आपने ठीक कहा, ये रिपोर्ट मैंने भी देखी और ये दिक्कत ज्यादा वक्त तक अगर बनी रहे तो डायरिया, बुखार, मोटापा, पेट दर्द, जोड़ों के दर्द से लेकर एनीमिया तक की वजह बनती है और बॉडी कमजोर हुई नहीं कि एक के बाद एक बीमारियों की एंट्री होने लगती है। और जब बीमारियों का ये कुनवा शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो आप समझिए कि बीमारियां ही हावी रहेंगी, तो दमखम कैसे आएगा, सेहत अच्छी नहीं हो पाएगी। तो यंग इंडिया अपने सपनों पर फोकस कैसे कर पाएगा? तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में चलते हैं और देश के युवाओं को सेहतमंद जिंदगी का पाठ पढ़ाते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। जिस उम्र में युवाओं को गाना चाहिए, जिंदगी एक सफर बहुत है सुहाना। प्रणाम मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। मैं ये कह रही हूँ, उस जवानी में हमारे देश के युवा रो रहे हैं मेरे साथ। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, इसलिए आज के कार्यक्रम का नाम रखो रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग नहीं, युवाओं की जंग जमाने के संग। ये पूरी दुनिया एक युद्ध है और उसमें जीतेगा वही जो ताकतवर है, और आपने वहीं से शुरुआत की थी। और इस जंग को जीतने के लिए आज एक तो हम पूरा अभ्यास बता रहे हैं, साधारण दंड, फिर देखो ऐसे गए और ऐसे वापस आ गए, ऐसे नीचे जाना और ऐसे वापस आ जाना, ऐसे मजबूती से, फिर देखो फिर ऐसे ऐसे करना है। ये तीसरा अभ्यास है और ये चौथा, फिर देखो हनुमान दंड आज पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। यंग इंडिया को इतना मजबूत बनाएंगे, 50 करोड़ भारतवासियों को, अब बीमारियां उनके सामने घुटने टेकेंगे, अब वो कभी हारेंगे नहीं। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ अस्मा बहुत नस्तनु बलम उपास्व अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु, ऐसे होले होले बता रहे हैं धीरे धीरे। और देखो मेरे साथ ये बेटियां भी, ये परम योगिनी हमारी बहने हैं, देववाणी जी और देव गरिमा जी, एक मध्य प्रदेश से आई है और दूसरी छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया बोलते हैं ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास। तो ऐसे ये अभ्यास रोज करते रहे। हनुमान दंड के बाद ये देखो ये हो गई वृश्चिक दंड, अरे दंड लगाने से ठंड भी भगेगी और युवाओं को पूरा शक्तिशाली बनाना। फिर ऊपर से उठा के अपोजिट साइड में ऐसे लेके चले गए। स्वामी जी हम तो वार्म अप भी करते रह गए, जिम में जाते हैं, जिम में जाने की जरूरत ही तो नहीं ना। पार्श्व दंड ऐसे प्रवाह से, आज पूरा कोर्स बता रहे हैं दंड बैठक का, जिम जाने की जरूरत ही नहीं। पहले तो धीरे धीरे बताया, फिर इसको आगे तेजी से भी करवाते हैं। चलो अब चक्र दंड, ऐसे तो थोड़ी उधर फैल जाओ बेटा, देखो ऐसे ये ऐसे होता है, यूं और यूं का लगाओ, आप लगाओ। हाँ ये हमारी बेटियां भी लगाती हैं, मुझे तो रोज ही लगाता हुआ देखते हो, बड़ी चपलता से लगाती है। हाँ देखो ऐसे क्या फर्स्ट क्लास, ऐसे चक्र दंड लगा है, चक्रदंड। और फिर एक और बहुत जबरदस्त है, इसको बोलते हैं पलट दंड। अब ऐसे साधारण दंड लगाया ऐसे और फिर पलटी मार दी, ये मारी पलटी ऐसे,
और फिर वापस आ गए ऐसे। चलो ऐसे मारते हैं, तुम्हारे सामने तो भाई जतार बिछे हुए, तो हम ही लगा लेते यो और यो ऐसे। फिर शेर दंड लगाओ बेटी, हाँ इधर आओ। हाँ शेर, ये तो शेर दंड का नाम बदलना पड़ेगा, अब शेरनी दंड करना पड़ेगा ऐसे। पूरा उठा दिया, बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है स्वामी जी। और बस क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और ऐसे मजबूत बेटियां जब हिंदुस्तान की बन जाएंगी, और लोग कहते हैं अबला है मन का, बच के रहना बड़ी बला है, तब बलम उपास्व ऐसे ये मिश्र दंड ऐसे। और जिनसे इतना भी ना हो पाए ना, तो फिर वो ऐसे भुजंगासन ही कर ले। और ये हमारी बेटियां तो सपाटा दंड लगाओ जी खड़े होके। हाँ देखो ऐसे लगाती हैं सपाटा दंड ऐसे, देववाणी जी भी देव गरिमा जी भी ऐसे। और इनको तो पूरी महिलाओं का उत्तरदायित्व सौंप दिया हमारी पूज्य साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी के साथ। 25 करोड़ महिला कार्यकर्ता बहनें इनके साथ जुड़ी हैं और इनसे प्रेरणा लेती हैं। और ऐसे जब एक तो ये पूरा ना दंड का कार्यक्रम हो गया, दंड लगाओ ठंड भगाओ बल बढ़ाओ, बल लगाओ बल बढ़ाओ। अच्छा चलो नेक्स्ट। इतनी ठंड पड़ रही है और ये जब ऐसे, लेकिन जो दंड लगाएगा उसे ठंड नहीं लगेगी। मैं तो बोलने वाली थी तब भी एसी चल रहा है पूरा पसीना आ गया ऐसे। फिर ये ऐसे ये, और फिर ये ऐसे ऐसे। कितना मजबूत बन जाता है ना तन बदन। तो आज पूरा 5 मिनट का ये जो कार्यक्रम देख रही है ना जिसने और कर लिया, फिर जिंदगी में बीमार नहीं हो सकता मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी कभी भी। ये बात तो सही है, तभी हमने बीड़ा उठाया है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो चाहे चुनाव हो कोई बड़ा आयोजन हो, योग तो करना ही करना है। स्वामी जी कल विवेकानंद जयंती थी, कल भी हमने युवाओं को हेल्दी बनाने की बात की और इस मुहिम में हम लगातार जुटे हुए हैं। तो स्वामी जी ये बताइए कि युवाओं को रोज मिनिमम कितनी देर योग करना चाहिए? हाँ, 365 दिन जी। और मैक्सिमम कितनी देर तक योग करना चाहिए ताकि बीमारी पास ना तो पचके? 1 से 2 घंटा, 1 घंटा कम से कम, 30 मिनट से 45 मिनट्स, इससे कम में तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं। तो 30 मिनट से, अरे अभी तो हमने बताया ये मात्र 15 मिनट का कोर्स है, होले होले भी करेंगे तो, जो अभी हम करा रहे थे तो देखो। और सूर्य नमस्कार, चलो बेटा इधर आओ, ऐसे करना चाहिए। 1 2, ये जो पूरा पतंजलि गुरुकुलम के आचार्य कुलम के पतंजलि विश्वविद्यालय के पूरे पीछे दृश्य देख रहे हो ना, ये हमने ऐसा ही पूरा एक अनुशासन यहाँ पर बनाया हुआ, एक पूरा ऐसा वातावरण बनाया हुआ है। सब बच्चे सुबह उठ करके एक बार ये सूर्य नमस्कार, ये दंड बैठक जो भी करवाए, योगिक जोगिंग दौड़ना, और ये इन सारी एक्टिविटीज के साथ, विद्या अभ्यास के साथ, योगाभ्यास के साथ, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास के साथ, अच्छे वातावरण में अच्छे प्रशिक्षण के साथ अपने आप को उभारते हैं, जिससे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, शिक्षा, चिकित्सा के, अनुसंधान के, कृषि के, उद्योग के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में नव प्रतिमान घड़ सके, नए इतिहास घड़ सके, आगे बढ़ सके। तो ऐसे रोज कम से कम 10 बार ये सूर्य नमस्कार ऐसे करना चाहिए। फिर बॉडी और माइंड के बैलेंस के लिए मैं तो ताड़ासन कर रहा हूँ, इधर आ जाओ बेटा, आप तो करो एक करो गरुड़ासन, फिर नटराज आसन और ध्वज आसन, ये बच्चों को करने चाहिए। बच्चों की हाइट के लिए भी बताएंगे, बच्चे मोटे भी हो रहे हैं उनके लिए भी बताएंगे, छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रही है उनके लिए भी बताएंगे, लेकिन क्रम से ऐसे बैलेंस बनाए। गरुड़ासन में मैं वृक्षासन कर लेता हूँ, ताड़ासन बच्चों की हाइट के लिए अच्छा है, चलो नटराज आसन और ध्वज आसन करो। ऐसे पूरा एक हमें अभ्यास बनाना पड़ेगा,
पूरी अपनी एक दिनचर्या बनानी पड़ेगी। जैसे आपने पूछा मीनाक्षी जी, आधा घंटा से पौना घंटा एक घंटा तो सबको करना है। और जो बहुत अधिक बल बढ़ाना चाहते हैं उनको थोड़ा फिर ज्यादा करना पड़ेगा, वो ज्यादा कर ले। लोग पढ़े रहते हैं, सोते रहते हैं। देखो बच्चों को चक्रासन और बच्चों को शीर्षासन सर्वांगासन ये अवश्य करने चाहिए। ये बच्चों की हाइट के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए, शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास के लिए इतना जरूरी है। रोज कम से कम शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और ये चक्रासन जो बेटियां कर रही है। चक्रासन के बाद देखो ये तो पीछे से झुकी, अब आगे से झुको, आगे से झुक करके पीछे निकल जाती है, इसको डिंबासन कहते हैं। चक्रासन, डिंबासन, फिर भुवनमनासन, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, बैलेंस, बैलेंस बॉडी का, बैलेंस माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का। यही तो एक ऐसा प्रवाह से ना, रिदम के साथ ऐसे जीवन में आगे बढ़ते चले। ये शीर्षासन सब बच्चों को करना है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, फिर चक्रासन जो बेटियों ने किया, फिर भुवनमनासन। ये ऐसे भुवनमनासन हो रहा है, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, भुवनमनासन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बन। आगे झुके तो भुवनमनासन से पूर्णोष्ठासन कर दो बेटियों। तो देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग, एक प्रवाह से ऐसे आगे बढ़ते जाना है। ऐसे एक नियम बना ले, कुछ आसन आगे झुकने वाले, कुछ आसन पीछे झुकने वाले, ऐसे प्रवाह के साथ करते जाना। और ये सब करते करते फिर कभी भी बच्चों में ये कम हाइट हो गई जी, आंखों पर चश्मे चढ़ गए जी, मोटे मोटे चश्मे, स्वामी जी बच्चे का दिमाग डल हो गया जी, याद नहीं हो रहा जी। जो बच्चे ऐसे करेंगे ना, जो मेरे साथ ये हमारी श्रद्धामयी बहने कर रही हैं ऐसे, और शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन जो भी हो रहा रहेगा, फिर बैठ करके अनुशासन युवा पीढ़ी में बना रहेगा तो भविष्य की चिंता नहीं होगी, क्योंकि सबसे युवा देश है भारत। और चूंकि आज बात युवाओं की हो रही है तो देश में 65% युवा आबादी है, लेकिन कम उम्र में ही बीमारियों का बोझ लिए हमारे जो युवा हैं वो घूम रहे हैं। स्वामी जी अब ऐसा करते हैं, एक एक करके इन रोगों से युवाओं को मुक्त कराते हैं। और सबसे पहले बात पाचन की करते हैं, क्योंकि एक ताजा स्टडी के मुताबिक गलत खान पान और खराब दिनचर्या से युवाओं की आंतों में सूजन आ रही है, जिससे डायरिया, पेट दर्द, मोटापा के अलावा जॉइंट्स जैसी दिक्कतें हो रही हैं, जॉइंट्स जैसी परेशानियां भी हो रही हैं। तो ऐसे में स्वामी जी आंतों की सूजन को कैसे घटाएं, ताकि ये जो सारी बीमारियां मैंने गिनाई हैं इन सब से हमारे युवा बचे रहे। हाँ, आंतों में सूजन है, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को कोलाइटिस है, खाते बच्चे टॉयलेट जाते, जवान टॉयलेट जाते, मेरे पास आते स्टेरॉइड खाते। आंतों में सूजन है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, खाया पिया हजम नहीं होता। तो देखो भाई, कोई ऐसे एक एक पैर को, दोनों पैरों को सिर पर रख सके, फिर गर्भासन कर सके, एकपाद ग्रीवासन, द्विपाद ग्रीवासन कर सके, वो तो वो कर लेना। कठिन वाले अभ्यास भी साथ साथ चल रहे हैं। तो बच्चों के लिए, जवानों के लिए आज हमने एक स्पेशल योग का पैकेज साथ साथ चला रखा है। आंतों की सूजन के लिए एक तो पुनर्नवादी मंडूर और पुनर्गृह खाली पेट ले लें, खाने के बाद पुनर्नवार इष्ट ले लें। पुनर्नवार इष्ट आरोग्य वर्धनी वटी सदियों से हमारे यहाँ पर है। आंतों की सूजन के लिए भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, इसका ही सर्वकल्प क्वाथ हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया। और ये मंडू का असर बड़ा जबरदस्त है, ऐसे आराम से यो करें। सहजता के साथ ऐसे ये मंडू का आसन किया। हाँ, ये आंतों में सूजन, आंतों का इन्फ्लेमेशन है, इसमें गरिष्ठ चीज़ें, भारी चीज़ें, ये जंक फूड, फास्ट फूड, क्या क्या, बर्गर, पिज्ज़ा, मांस मछली, मुर्गा, बकरा, बकरी, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े जो खाते रहते हैं उनसे बचना पड़ेगा। ये मंडू का आसन,
ये रोज करें, मंडूकासन और पवन मुक्तासन ही कर लिया, उसी से उद्धार हो जाएगा। जो अधिक कर सके तो फिर तो 5 से 10 आसनों का पूरा पैकेज हम बताते हैं। अब देखो मंडूकासन के बाद ये सस्कासन, मंडूकासन भी ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे, अब ये कोई कर ले मयूरासन फिर तो बात ही क्या है। अब जो तो मयूरासन कर लेगा उनकी तो आते ही फौलादी हो जाएंगे, शरीर तो फौलादी होगा ही होगा, दोनों ही बेटियां हमारी ऐसे तो लगातार एक एक दो दो मिनट एक एक आसन को कर लेती हैं ऐसे। मंडूकासन योग मुद्रासन ही कर ले, इसी से ही उद्धार हो जाएगा। अब इसको चलो बद्ध पद्मासन करो बेटियों। पद्मासन में पीछे से जब हाथ ले लेते हैं, पीछे से देखो ऐसे बैठे आप बीच बीच में ऐसे, ऐसे स्वामी जी बद्ध पद्मासन करवाते रहिएगा, पता चलता रहता है कि मेटाबॉलिज्म ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, बीएमआई ठीक है या नहीं है, टेस्टिंग हो जाता है। अब योग मुद्रासन, आपका दोनों का बीएमआई बहुत अच्छा है, पूरे देश का भी बीएमआई अच्छा रखेंगे, वेट भी, पेट भी, हाइट भी, आई साइट भी, बच्चों का भी वेट पेट, और बच्चों में स्ट्रेस एंगर बहुत तरह की प्रॉब्लम है, बोलते हैं लो फील कर रहे हैं, मूड स्विंग हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं, और बोले हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रह रहा है, लो छोटे छोटे बच्चे है? तो एक तो योग मुद्रासन, फिर पवन मुक्तासन करो दोनों ही बेटियां, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन ये कर रही हैं। मैं मंडूकासन योग मुद्रासन के बाद अदमत्सेन्द्रासन वक्रासन गोमुखासन कर रहा हूँ, पेट अब किसी का गड़बड़ नहीं रहेगा मेरे भाई, मेरे बहन, और जिनका मेमोरी बहुत डल रहता है मेधावटी मेमोरी ग्रिड ले लें, शरीर में कमजोरी है तो इम्यूनोग्रिड अश्वगंधा शतावर ले लें। आज हमने सारे पीछे ये प्रोटीन पाउडर भी रखे हुए, नेचुरल केमिकल एनिमल बेस्ड नहीं, आइसोवेदा वेव प्रोटीन, और फिर किड्स सुपर फूड, और वेट गेन मसल गेन सब हमने, और जो ट्रेडिशनली पावर वीटा से लेकर के च्यवनप्राश हनी, और बच्चों के लिए तो बालप्राश भी बहुत जोरदार है। तो ये हम सारे एक साथ योग के, आयुर्वेद के, निसर्ग के, प्रकृति के सारे उपाय बताते हैं जी, और यही हमारी गुरुकुलीय परंपरा जिसका आप पीछे दर्शन कर रहे हैं, पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार और पतंजलि विश्वविद्यालय, हमने ऐसे ही पूरी संरचना की है यहाँ पतंजलि में कि सब आए और वापस अपनी जड़ों से जुड़े और अपने पूर्वजों की भांति योग और आयुर्वेद के साथ बने, प्रज्ञावान प्रतिभावान मेधावी बने। जो गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा हमारे देश की सनातन सभ्यता का अंग थी उसे आपने पुनर्जीवित किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वामी जी यंगस्टर्स में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अगर कुल हार्ट अटैक के मामलों में 25% केसेस देखे तो 25% से भी ज्यादा केसेस तो 40 साल से कम उम्र के लोगों के हैं, इसके वजह क्या है, इतनी कम उम्र में हार्ट के इतने मरीज क्यों हो रहे हैं? तो पेट के बाद अब पवन मुक्तासन उत्तान पादासन बेटियों ने भी किया, अब भुजंगासन करो बहनों आप, तो देववाणी जी देव गरिमा जी तो भुजंगासन कर लेंगे, और आप दोनों तो हरि आसन बहुत अच्छा करती हो, माने आप भी देववाणी जी से देव गरिमा जी से कम नहीं है, मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी करोड़ों महिलाओं के लिए आप इंस्पिरेशन बन गए हो। हार्ट के प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा हो रही है, एक तो बच्चे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, और जो है एक आभासिक दुनिया में जीने लगते हैं। दूसरा कोरोना और कोरोना के वैक्सीनेशन, अलग प्रकार की जो ये केमिकल बेस्ड जो दवाइयां हैं, सिंथेटिक दवाइयां, ये खा खा करके हमारे हार्ट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और आजकल तो बच्चे ये जो अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक जो मसल गेनर्स खा रहे हैं, पूरा ये जो जैसे मैंने कहा ना वे प्रोटीन और तमाम तरह के ये जो अपने मसल्स को बॉडी को बिल्डअप करने के लिए खा रहे उसका भी असर हार्ट पर पड़ रहा है, तो क्या करें, उसके लिए गोमुखासन करें जो मैं भी बता रहा था, ये भुजंगासन करें जो हमारी ये बहनें कर रही हैं, भुजंगासन करें, और ज़्यादा ही जिनके हार्ट पर असर आ गया तो कार्डियोग्रिट खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद अर्जुन की छाल अर्जुनारिष्ट का सेवन कर लें, और रोज प्राणायाम करें, योगाभ्यास नियम से करें, सुबह उठ करके रनिंग करें, दौड़ लगाएं,
और जो बच्चे खेल सकते हैं तो खेलें, कुश्ती है, कबड्डी है, खो खो है, कितने अच्छे अच्छे खेल हैं। और उससे एक तो सामूहिकता का भाव जीवन में आता है, एक अकेलापन, खालीपन, सोनापन नहीं रहता है जब हम खेलते हैं, मिलजुल करके जीना आता है। तो खेला करें, दौड़ा करें, हमारे साथ योगाभ्यास किया करें, जिनका हार्ट कमजोर है यहाँ से थोड़ा दबा लिया करें, ये बहुत अच्छा है। ये हार्ट के लिए है, ये आँख के लिए है, ये कान के लिए है, ये डायबिटीज के लिए, ये किडनी के लिए है, छोटे छोटे बच्चों को थायराइड हो गया, थायराइड के लिए, थायराइड के लिए कपालभाति, ऊंचाई भी करें, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन बहुत जबरदस्त है उसके लिए, ये थायराइड के लिए भी और हार्ट के लिए भी अच्छा ऊंचाई, जैसे होल्ड करके रखना और दाएं आंख को बंद करके बाएं से छोड़ देना, पूर्ण धनुरासन करो। स्वामी जी, ये तो हार्ट की मजबूती की बात हुई, एक स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूँ जिसके मुताबिक अगले 25 सालों में दुनिया में 1 अरब से ज्यादा शुगर के पेशेंट्स, शुगर के मरीज, और इनमें भी बड़ी तादाद, बड़ी संख्या युवाओं की होगी। तो स्वामी जी, यंग एज में डायबिटीज का रोग कैसे और क्यों होता है, पहले तो ये समझाइए, और इस बीमारी से कैसे बचे। फास्ट फूड युवा खा रहे हैं जी, और बात बात में ताकत के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, पावर के लिए, और एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर उल्टा पुल्टा खा रहे हैं। फिर जो है बच्चों में छोटे छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, सर्दी जुकाम बुखार की एलोपैथिक दवाएं दे देते हैं, सिंथेटिक दवाइयाँ। मैं कहता हूँ भाई, फीवर के लिए फीवोग्रिड, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड, नॉर्मल फीवर के लिए गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक और सुदर्शन घनवटी पर्याप्त है, क्यों अपने बच्चों को ये देते हो सब? डायरिया हो जाए, कुड़जारिश, कुटज, घनवटी दे दो, तो ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जवानों को पेन की आदत पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इन सिंथेटिक दवाइयों को नहीं देनी चाहिए। फिर बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ की तो बात ही छोड़ो। तो एक तो ये मंडूक आसन जो अभी मैं कर रहा था पद्मासन में बैठ के, दूसरा ये पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन, मंडूक आसन, और आप करो जी बच्चों, बेटियों, फिर से पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध, ये करें। ये मंडूक आसन जो अभी मैं कर रहा हूँ, योग मुद्रासन जो कर चुका हूँ, ये अभ्यास रोज मात्र 2 ही कर लिए ना, पवन मुक्तासन और मंडूक आसन जो मैं कर रहा हूँ, फिर इसके आगे उत्तान पादासन, नौकासन भी करो बेटी। हाँ, तो देखो ये बड़ी जबरदस्त है, ये मंडूक आसन, पवन मुक्तासन, इससे पेन के आज पूरा एक्टिवेट हो जाता है। खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का हम जूस पिला, और उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, सदाबहार, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, और 1-2 सप्ताह यही देते हो, कुछ नहीं देते, पूरा पेनक्रियाज की सेल से डीजनरेट हुए थे, दोबारा से रीजुवनेट हो जाते। ये पहली बार हमने करके दिखाया, मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक मिथ, एक झूठी भ्रांति है कि पेन के आज के बीटा सेल्स डीजनरेटेड, रीजुवनेट नहीं होते, हमने करके दिखाया। खाली पेट इम्यूनोग्रिड और मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिड, लिवर के सेल्स डीजनरेट हो जाए लिवोग्रिड, किडनी के सेल्स डीजनरेट हो जाए रिनोग्रिड, आंखों के सेल डीजनरेट हो जाए आई ग्रिड, कान के लिए ईयर ग्रिड, ब्रेन के लिए मेमोरी ग्रिड और मेधावटी ओमेगा, डीजनरेट हुए सेल्स रीजुवनेट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और ये आयुर्वेद और योग से ही हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ वापस पूरी दुनिया को योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म की ओर लौटना पड़ेगा, यही जीवन और जगत के परम सनातन शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक सर्वहितकारी सत्य सन्निहित है मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अगला विषय चूंकि शुगर की बात चली ही है, तो मैं ये दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि छोटे बच्चों में भी टाइप 1 डायबिटीज के मामले बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि माता पिता को पता ही नहीं चलता और बच्चा क्रिटिकल स्टेज पर आ जाता है। शुगर बहुत ज्यादा बच्चों में हाई हो जाता है, सांस तक लेने में तकलीफ होती है। स्वामी जी, यदि ऐसी कंडीशन आ गई है बच्चों में तो फिर क्या करना चाहिए, और क्या टाइप 1 डायबिटीज जड़ से खत्म की जा सकती है? तो ये पूरा पैकेज करना चाहिए जी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज, और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से किडनी खराब हो रही है, आंखें खराब हो रही है, ब्रेन नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो रहा है, वो सब ठीक होते हैं। पवन मुक्तासन,
फिर उत्तान पादासन, फिर नौकासन, फिर सेतु बंधासन करो बेटी। हाँ, जैसे हमारी श्रद्धामयी बहने, पूज्य सन्यासिनी बहने हमारी, ये जैसे ही कर रही है ना, ये फिर पूरा पैकेज कर ले। मंडूकासन, योग मुद्रासन हमने किया, अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ऐसे ही करना चाहिए, पूरा ऐसे प्रवाह से कर लिया तो। और मैंने कहा 2 सप्ताह परहेज कर ले, 2 सप्ताह से अधिकतम हम 2 माह का परहेज करवा देते हैं, और असंभव को भी संभव कर देते हैं। 25, 50, 100, 150 यूनिट तक इंसुलिन हमने छुड़ाई, आपने तो खुद देखा, 1-2 की नहीं, हजारों का डेटाबेस हमारे पास में। हम बिना डेटा के, बिना साइंटिफिक रिसर्च के, बिना एविडेंस के बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया टीवी एक प्रामाणिक चैनल है और इसके लिए पूरा जीवन लगा है हमारे भाई रजत शर्मा जी का, ऋतु जी का। और हम ऑथेंटिक खबर दिखाते हैं, ऑथेंटिक समाचार, ऑथेंटिक ही उपचार बताते हैं कि जो हमने कर लिया है ना, फिर वही बताते हैं कि हाँ टाइप 1 डायबिटीज अच्छा कर सकते हैं। तो ही हम बता रहे हैं कि अभ्यास करें, खान पान पर पूरा नियंत्रण करें तो शुगर से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। टाइप 1 डायबिटीज में जिसमें कहा जाता है पेनक्रियाज के बीटा सेल्स अब तो डीजनरेट हुए हो गए, रीजुविनेट हो जाएंगे मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, डायबिटीज मधुमेह मुक्त बनेगा भारत। स्वामी जी, और मधुमेह मुक्त बनेगा, बीमारी मुक्त बनेगा, तभी डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं वो और बढ़ेगा और डेवलप्ड नेशन बनेगा भारत। क्योंकि यंग इंडिया की आज लगातार बात हो रही है, ऐसे में बीपी की बात करना भी बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है यंग इंडिया का, 40 की उम्र में बीपी के मरीज बन रहे हैं युवा। जहां देखिए वहां मामूली बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, रोड रेज के मामले तो हर रोज की बात हो गए, रिपोर्ट हो रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूथ गुस्से में है, बिल्कुल उन्हें पता नहीं कि स्ट्रेस और एंगर को मैनेज कैसे करें। आपको तो हम हमेशा मुस्कुराते हुए देखते हैं, और अगर ये हैप्पी फॉर्मूला योग में छिपा है तो वो भी शेयर कीजिए। विचार, उत्तेजक आहार, खाने पाने पीने की चीजों में उत्तेजनाएं भरी पड़ी है जीवन में, इन उत्तेजनाओं से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है योग। और योग में भी 2 आसन बड़े महत्वपूर्ण है, एक तो मरकट आसन, इसका पहला अभ्यास, अब दूसरा अभ्यास करो, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हथेलियां ऊपर की ओर, फिर दोनों पैर पास में थे, अब दोनों पैरों में फासला हो गया, फिर ऐसे मरकट आसन का यह दूसरा अभ्यास, फिर मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, पैर सीधे हो जाते हैं, एक पैर को अपोजिट साइड के हाथ के पास लेकर के आते हैं। एक तो ये मरकटासन है, ऐसे मरकटासन करना जैसे देववाणी जी कर रही हैं। आप भुजंगासन करो बेटा, भुजंगासन दोबारा, पहले भी बताया था, भुजंगासन और मरकटासन, भुजंगासन के भी 3 अभ्यास हैं। सामान्य साइड में रख करके दोनों हाथ छाती ऐसे थोड़ी के सामने रख करके, भुजंगासन और मरकटासन, ये 2 आसन पर्याप्त है। और शवासन योग निद्रा भी कर ले, और ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ओंकार गायत्री का ध्यान कर ले, मुक्तावटी बीपी ग्रीट और लौकी का जूस, तो उसके लिए रामबाण है, लौकी का और पेठे का। थोड़ा धीरज रखना सीखे, धृति क्षमा धमोस्ते हम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धीरज, धीरता वीरता, शांति क्रांति, अभ्युदय निवृत्ति प्रवृत्ति, एक साथ हमने वीरता और विनय की उपासना की है। सूर्य स्वर चंद्र स्वर अग्नि अग्नि सोमात्म कविधम जगत, तो अनुलोम विलोम भ्रामरे उद्गीत से ओंकार गायत्री की उपासना से एंगर भी कम हो जाएगा। आत्मोत्सर्व भूतेषु एक दृष्टि पैदा हो जाएगी, एकत्वम अनुपश्यत। जब किसी को दूसरा मानते हैं तब डरते हैं या डराते हैं तब भय लगता है, द्वितीयाद भयम अस्ति है। जब हम एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म को अपने भीतर और सब में, सियाराममय सब जग जाने वासुदेव सर्वम ओम सर्वम करो इदम ब्रह्म देखते हैं, तो फिर ना किसी से भय, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। अब ये जो है आजकल मैं तो राम मंदिर की बहस में भी देखता हूँ, बोले हमारा कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन बोले राम मंदिर के उद्घाटन में इसलिए नहीं जाएंगे कि वो मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। अरे देश का गौरव है, देश का प्रधानमंत्री जा रहा है, नहीं तो देश के प्रधानमंत्री तो कहते थे हम तो धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता हो ही नहीं सकती, राजनीति का अर्थ ही है राजधर्म, पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं और सब पंथों, पंथ निरपेक्ष मतलब पंथों का अपमान नहीं, रामकृष्ण का शिव का अपमान नहीं, उनका आदर है। तो हमारे कुछ शंकराचार्य जी भी जो है इस पचड़े में पड़ गए,
ठीक है शंकराचार्यों की एक गरिमा है, लेकिन भाई मैं तो सारे शंकराचार्यों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ भाई, शंकराचार्य इतने महान बनो ना कि देश के प्रधानमंत्री अपने बराबर में बैठाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। राग द्वेष करते नहीं, जुबान से कह रहे लेकिन अंदर राग द्वेष करते। फिर ये जो राग द्वेष आपस के लड़ाई झगड़ा, अरे भाई अच्छा काम हो रहा है, अच्छे काम में सहयोग ना करो तो कम से कम उसके बारे में उल्टे पुल्टे बयानबाजी तो मत करो। ऐसी भाषा हमारे कुछ साधु संत बोल रहे वैसे तो हमने कम्युनिस्टों से भी नहीं सुनी थी। हे मेरे राव, ये सारी चीजों से मुक्त होने की जरूरत है स्वामी जी। सहज अपने स्वरूप में रहें, सियाराम में सब जग जाने, वासुदेव सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये दृष्टि रखनी चाहिए तो काहे का बीपी रहेगा जी। मेरी बहन ज्योत्सना जी मीनाक्षी जी, स्वामी जी आजकल टीनेजर्स में जोड़ों का दर्द भी बड़ा बढ़ रहा है, जोड़ों के दर्द की शिकायत कर रहे हैं और छोटे बच्चे के भी घुटने कमजोर हो रहे हैं, इसके कारण क्या है और हड्डियों को मजबूत कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर शरीर में दमखम ही नहीं होगा तो फिर आगे चलकर बच्चा देश का भविष्य कैसे लिखेगा, पहले तो चलेगा ही कैसे। देखो एक तो ये एक तो ये करें ऐसे 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 करें, ये घुटनों के लिए, घुटने में सच में, और घुटने ना ऐसे खड़े होते हैं ना तो उल्टे मकरासन करो बेटी, मकरासन में उल्टे लेट करके घुटने की एक्सरसाइज हो जाती है। अब कुछ ऐसे खड़े होते हैं ना तो दोनों घुटने मिल जाते हैं, ये यूं ऐसे मिल जाते हैं, अब हम तो मिलाने पर भी मिल ही नहीं पा रहे, बुढ़ापे में ऐसे फैल जाते हैं, ऐसे डोकर ऐसे और बचपन में यूं मिल जाते हैं। तो एक तो गरुड़ासन करें, पद्मासन करें, बटरफ्लाई करें और बस ये करें अभ्यास ऐसे, और हमारी इन बेटियों की तरह योगाभ्यास करना सीख लेंगे जब कुछ इन सन्यासिनी बहनों की तरह, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। एक तो मकरासन, एक ही घुटने का ये अभ्यास, एक फिर ये अभ्यास करें, बच्चों को तो करना चाहिए ऐसे दंड बैठक करनी चाहिए, फिर ये अभ्यास मैंने बताया, फिर ऐसे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम भी कर लें थोड़ा थोड़ा, और दूध में हल्दी शिलाजित लाक्षादि गोकुल न्यूट्रीला बोन हेल्थ ले लें, हमने न्यूट्रीला के पूरे प्रोडक्ट बना रखे हैं, न्यूट्रीला बोन हेल्थ ले दे, धूप में रहें थोड़ा खेले कूदे, दूध दही छाछ का सेवन करना चाहिए, मिलेट्स का सेवन करना चाहिए, रागी बाजरा जवार मकई गेहूँ चावल के पीछे सोटा घुमा रखा लोगों ने, मैं कहता हूँ जो गेहूँ चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा, बहुत पछताएगा, जल्दी मर जाएगा, इसलिए युवाओं को वापस अपने मूल प्रकृति से, मूल संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा मेरी बहन। स्वामी जी युवाओं का शरीर खोखला करने में नशे का एक बहुत बड़ा रोल है, अब कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, तो कोई शराब पी रहा है, और मजे की बात यह है कि लोग उसे स्टेटस सिंबल भी कहते हैं, अब उन्हें ये कैसे समझाएं कि नशा तो जहर है, स्टेटस खराब हो सकता है शरीर का, तो शरीर के स्टेटस को गड़बड़ करने से बचा लीजिए स्वामी जी। स्वामी जी और ये बहुत देखो आज तक पूरी दुनिया में नशा करके कौन महान बना, नशा तो विनाश की निशानी है, और ये पूरी दुनिया ने ये बात पहचानी है, पूरी दुनिया में नशा करके कोई महान नहीं बना, जितने भी दुनिया के महान दार्शनिक हैं, अरे देखो जो है गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर के, आइंस्टीन न्यूटन से लेकर के, और प्रोफेट मोहम्मद साहब से लेकर के, ईसा मसीह से लेकर के, सब ने नशे का निषेध किया है, भगवान राम कृष्ण सब महापुरुषों ने नशे का निषेध किया। अब ये नशा क्यों करते हैं लोग, दरअसल जीवन में सोनापन है, खालीपन है, और कहते हैं लाइफ को एंजॉय करना है, तो एंजॉय करना है तो इन बेटियों की तरह एक तो योग करें तो अपने आप ही लाइफ को एंजॉय करेंगे, और जो है जो इतना भी कठिन ना हो पाए तो थोड़ा थोड़ा ही कर ले, चलो बैठो बेटियों आप भी प्राणायाम करो, देखो नजदीक आ जाओ, ऐसे प्राणायाम करें, और सबके भीतर दिव्य दृष्टि रखें, सब भगवान के भगवती के ही स्वरूप हैं, सब हमारी श्रद्धामयी बहनें सबको भगवान का स्वरूप देखें, सब भाइयों को, सब भाई और बहनों को भगवती के स्वरूप में देखें, रोज भस्त्रिका करें, रोज कपाल भाति करें, फिर स्ट्रेस हो गई ऐसी इतनी मस्ती रहेगी, बीड़ी सिगरेट शराब और तमाम तरह के ड्रग की तरफ तो सोच ही नहीं सकते, जो योग करेगा ड्रग एडिक्शन तो बहुत दूर की बात है, वो एक क्षण के लिए भी कभी निराशा में, कुंठा में, खालीपन, सोनेपन में नहीं रहेगा। भस्त्रिका कपाल भाति, अनुलोम विलोम करो बहनों, भस्त्रिका कपालभाति, और ये बाह्य प्राणायाम, ये सब युवाओं को बताना चाहता हूँ,
जो भाई प्रणाम कर लेंगे ना ऊर्ध्व नेता बनेंगे, उनका शरीर पर इंद्रियों पर मन पर अपना अधिकार होगा। ये बहुत बड़ा तत्व है, आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता बनने का साधन है ये योग। और जिनको ड्रग एडिक्शन है ना, मुलेठी, थोड़ा सौंफ, थोड़ा इलायची, थोड़ा सुपारी, इसको कूट करके उसको मुंह में थोड़ा ऐसे चबा लिया था। और हमने तो अनारदाना और इस अजवाइन का हरड़ का वो पाचक बना रखा, मुंह में चूस लिया करे थोड़ा। और ये पतंजलि का जो दंतकांति, और एक दंतकांति रेड ओ पेस्ट करने से ना तम्बाकू नशा ऐसे ही छूट जाता है। और थोड़ा जो है जो बीड़ी सिगरेट पीने की आदत पड़ी हुई, तो मुलेठी और ये जो त्रिकुटा काकड़ा सिंगी, इनका धूम नशे ले लिया करे। ये बाह्य प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है, तीन बंद के साथ देखो ऐसे। भस्त्रिका कपाल भाति अनुलोम विलोम, जो श्रद्धामयी बहने कर रही हैं, देववाणी जी, देव गरिमा जी की तरह ऐसे कर लेना। और ये बाह्य प्राणायाम। स्वामी जी, एक फैक्टर और है जो युवाओं की सेहत बिगाड़ने में बड़ा रोल प्ले करता है, और वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन का, जो नेगेटिव थॉट्स युवाओं के दिमाग में भर देता है। अब ऐसे में युवाओं को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ध्यान का भी एक सेशन करवा दीजिए। प्राणायाम तो आप करवा ही रहे हैं। हाँ, भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। बाह्य प्राणायाम ये शीर्षासन में भी हो जाता है, ये सेतुबंध आसन जो बेटियां भी कर रही थी उसमें भी हो जाता है। दोबारा से करिए, सेतुबंध में बहुत अच्छा ये उडियान बंध लग जाता है, तीनों बंध लग जाते हैं। बच्चों में, युवाओं में स्वप्न दोष की समस्या, बेटियों के अंदर पीरियड मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज और ओवर ब्लीडिंग, पीसीओडी, बहुत तरह की दिक्कतें आती है। तो सभी बाह्य प्राणायाम सेतुबंध में भी, ये बाह्य प्राणायाम जो है सर्वांगासन में, शीर्षासन में भी, मत्स्यासन में भी बहुत अच्छा हो जाता है, और ऐसे भी। योग मुद्रासन में भी हो जाता है ऐसे। और फिर अनुलोम विलोम, चलो बेटियों फिर से अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, और ध्यान के लिए बस एक मिनट का ध्यान बताता हूँ, जरा सोचे। मैं एक व्यक्ति नहीं, देखो सब युवाओं को भोर में ये सोचना चाहिए, रोज यही सोचता हूँ उठ करके। धरती माता को प्रणाम करता हूँ सुबह उठते ही, धरती माता को प्रणाम करता हूँ, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्वी, मातृसत्ता को प्रणाम करता हूँ। तो पूरी मातृसत्ता को, पितृसत्ता को, गुरु सत्ता को, गुरु परंपरा को, और फिर सोचता हूँ मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण भारत की अभिव्यक्ति हूँ। मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं हनुमान हूँ। राम की तरह, राम की उपासना क्या है, राम की तरह मर्यादा में जियो, कृष्ण की तरह योग करो, योग करो, हनुमान जी की तरह सेवा करो, शिव की तरह समाधि में रहो, भगवान बुद्ध की तरह शुद्ध रहो, भगवान महावीर की तरह अपरिग्रह में जीवन को जियो, भगवान नानक देव जी की तरह समता में रहो, ऐसे अपने महान पूर्वजों से सीखें जीवन। और तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म यम आत्मा ब्रह्म शिवो हम मैं अजर अमर नित्य अविनाशी, आत्मा हूँ चिदानंद रूप है शिवो हम ये भाव हमारा, शुद्धो हम आत्मा अहम, ये विचार ही हमें निर्विकार कर देता है, विकार खत्म कर देता है, बंधन से वंदन की ओर मोड़ देता है। और भगवान की महिमा का विचार कर, विष्णु कर्माणि पश्यत, नाम है तेरा गाओ, नाम है तेरा तारणहारा, तू कितना सुंदर होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। लोग आपस के क्षणिक सौंदर्य पर इतराते हैं, उस प्रभु के परम ऐश्वर्य, परम सौंदर्य का जो चिंतन कर लेता है, फिर उस परम पिता परमात्मा के साथ एकात्म होकर उसके आशीषों से आशीष अनुग्रहित उपकृत होकर के सदानंद में रहता है, कोई आकर्षण प्रलोभन में
पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयो वरम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्यनो विचलेत मन। माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिक गुरु यस्य महायोगी तस्य नव विचलेत मन। ऐसे युवा मन फिर कभी विचलित नहीं होगा, वो सदा ध्यानावस्थित रहेगा, योगस्थक कुरुकर्माणी हो जाएंगे। हाँ स्वामी जी, योग प्राणायाम के बाद अब बारी है नुस्खों की, तो आपके आज के क्या खास नुस्खे हैं आप वो दर्शकों को बताएं, उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में बता देती हूं कि कल क्या खास रहने वाला है। अगले 7 साल में लाइफस्टाइल रोग होंगे बेहद खतरनाक। 2030 तक दुनिया में 10 बीमारी लेंगी 70% जान। खाने में कौन सा बड़ा बदलाव सेहत के लिए बनेगा वरदान। लोहड़ी के जश्न के साथ योग, बढ़ेगी उम्र, दूर रहेंगे रोग। तो कल लोहड़ी के शुभ मौके पर सुबह 7:56 पर हमारे साथ कीजिए योग और दूर कीजिए जीवन शैली से जुड़े तमाम रोग। देखो आज के नुस्खे में एक तो दूध है, और दूध में हमने डाल दिया ये केला। ओहो हो हो, ये दूध में केला डाल दिया, और इस केले के साथ साथ इसमें डाल दिया खजूर। खजूर का दूध पीने से ना इतनी ताकत आती है। ये दोनों बेटियां भी आप समझ रहे होंगे, हमारी ये बहनें कमजोर होंगी, कमजोर नहीं है, इनका हमने वेट कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन इनको जब हम ये दूध के अंदर केला और खजूर डाल करके, ये खजूर और सारे ड्राई फ्रूट्स हमने पूरे देश को भी उपलब्ध करा रखे हैं, जब दूध में घट करके इसको पियेंगे ना, देखो इसकी घुटाई होगी। केला और खजूर ऐसे घोट दो। वैसे दूध में जिसको ऐसे रेडीमेड लेना है ना, तो ऐसे हमने ये खजूर का सिरप बना रखा है, इसको ऐसे ऐसे भी डाल करके, और इसको भी पी सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इधर उधर जल्दी में रहते हैं। और बाकी तो हमने ये खजूर और केले का ये शेक बना दिया है, बहुत जोरदार है, पियो बेटियों। हाँ, नहीं तो लोग कहेंगे बाबा जी अपनी बेटियों को खाने पीने को नहीं देते और तगड़ी हो जाओ। ऐसे पियो पियो, शर्माओ मत। ऐसे जो ये खजूर वाला दूध पियेंगे, केले वाला दूध पियेंगे ना, उनके बॉडी बाइसेप ट्राइसेप बॉडी मजबूत रहेगी, कोई कमजोर नहीं होगा, और खाया पिया शरीर में लगेगा, योग करेंगे। और मैंने कहा युवा जिंदगी की जंग लड़ेगा और जीतेगा, आत्म विजेता होके विश्व विजेता होगा। और जब युवा आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, और भारत परम वैभवशाली और शक्तिशाली बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।